सो है गाइज, वेलकम टू बैक माई न्यू ब्लॉग वीडियो। एंड मैं आज आ रहा हूँ त्रिनेत्री गणेश धाम मंदिर के दर्शन करने, जो कि सवाई माधोपुर जिले में पड़ता है। एंड जो भी मैं आगे बोलूँगा वो वॉइस ओवर होगा। एंड आप पूरा वीडियो एंड तक वॉच करना और वीडियो का लाभ उठाना और यहाँ के आकर्षित करने वाले नज़ारे ज़रूर देखना। एंड हम नवलखा पोल को पार कर चुके हैं एंड आगे से आने वाले जो भी दरवाजे होंगे वे मैं आपको दिखाऊँगा। तो नेक्स्ट दरवाज़ा आएगा हाथी पोल दरवाज़ा, जो कि आप अभी देखना। तो हम धीमे धीमे कदम आगे की ओर बढ़ा रहे हैं एंड हाथी पोल की तरफ जा रहे हैं। और ये आगे जो दिखाई दे रहा है वो हाथी पोल दरवाज़ा है। एंड मैं यहाँ कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाया, तो मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ और अच्छा नहीं बोल पाया था, इस कारण से वॉइस ओवर कर रहा हूँ। एंड हम हाथी पोल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और मैं एक बार नवलखा पोल की ओर से, मतलब कि वहाँ का नज़ारा या जो भी मैं वहाँ से शॉर्ट्स क्लिप उठाना चाहता हूँ छोटे छोटे टुकड़े, तो मैंने वो नज़ारे उठा लिए। एंड मैं थोड़े और क्लिप्स तैयार कर लेता हूँ। एंड वहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा है, देखने का मन करता है बार बार। और हमने हाथी पोल को पार कर लिया है एंड आगे गणेश पोल दरवाज़ा आने वाला है और यहीं घोड़े के पद चिन्ह हैं, जो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, जो कि घोड़ा ऊपर की ओर चंडा था तो उसके पद चिन्ह यहाँ हैं। देखो आप, ये पद चिन्ह दिखाई दे रहे होंगे ना आपको, ये पद चिन्ह हैं। और ये गणेश पोल है, तो आपको मैं दिखा भी देता हूँ यहाँ। ये देखो गणेश पोल, और ये गणेश पोल से भी हम ऊपर की ओर जा रहे हैं। और यहाँ ढलान बहुत अधिक है, तो सीढ़ियों के माध्यम से हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें एंड नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और मैं, ये नेक्स्ट दरवाज़ा है अंधेरी पोल, जो कि यहाँ पर अंधेरा रहता है अधिकतर, तो इसका नाम अंधेरी पोल है। और अभी हल्की हल्की रोशनी आ रही है इसके अंदर। और हम अंधेरी पोल को भी पार कर चुके हैं। और यहीं से देखो बहुत ही आकर्षित करने वाला नज़ारा दिखाई देता है, और पानी, घास और बम्बुल और पहाड़ी इलाका, और यहीं महल है, और यह मंदिर भी है आसपास, और 32 कंबों की छतरी भी दिखाऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। और यहाँ मकान थे, मतलब कि पहले जो भी घर मकान थे वो सब ढस चुके हैं, और ये गट्टी के पार्ट्स मिले हैं हमको यहाँ पर। और हमें थोड़ी दूरी तय करनी होगी, उसके बाद नेक्स्ट दरवाज़ा आएगा हमारे सामने। और हम बहुत ही ऊंचाई पर चढ़ चुके हैं अभी और पार करनी है ऊंचाई हमें। और गणेश मंदिर से हम करीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर हैं। हम बहुत स्पीड से चल रहे हैं, मतलब कि बहुत ही जल्दी चलना चाह रहे हैं कि गणेश जी के दर्शन किए जाए, फिर क्या पता वहाँ भीड़ हो तो टाइम लग सकता है वहाँ पर, तो हमें घर भी जल्दी जाना है ना, इस कारण हम थोड़े स्पीड से चल रहे हैं और गणेश मंदिर की तरफ जा रहे हैं। और आपको रणथंभौर का जो भी दुर्ग है उसको भी दिखाएंगे। और यहाँ पर देखो सब अपने अपने मकान बना रखे हैं सबने, मतलब कि यहाँ मकान बनाने से वहाँ, मतलब ये लोगों को लगता है कि यहाँ मकान बनाने से गणेश मंदिर, जो भी गणेश जी है ना, हमारी मनोकामना पूरी करेगा, इच्छा, और हमारे भी मकान होंगे, इसलिए मकान बनाते हैं यहाँ पर।
और ये अन्नपूर्णा मंदिर है जो कि हमने देखा थोड़ा बहुत इसका व्यू। और ये हम लगभग हम 100-150 मीटर की दूरी पर है गणेश मंदिर से, और हमें यहाँ डंकी भी मिला। और हम थोड़े स्पीड से चल रहे हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हम देखो यहाँ पर बंदरों को देख रहे हैं। और ये बंदर मेरे हाथों से कुछ भी नहीं खा रहा है यार, क्योंकि मैंने इसके जो आगे पड़े हुए थे ना दाने उसको ही उठा लिया, तो उसको नहीं खा रहा है वापस। हम गणेश मंदिर के लगभग 50 मीटर की दूरी पर, बस गणेश मंदिर के पास पहुंच चुके हैं हम। यहाँ कुछ शॉप्स दुकानें जो भी है ना, छोटी छोटी दुकानें हैं। और यहाँ कचौड़ी समोसा चाय पानी की व्यवस्था है। और मंदिर के जैसे कि गणेश मंदिर के फोटो और भी कई प्रकार की चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर। और इसके पीछे की तरफ का ये नज़ारा है, बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है। और मैं गणेश मंदिर की फ़ोटो नहीं दिखा सकता आपको, क्योंकि वहाँ मोबाइल या कैमरा कुछ भी अलाउ नहीं है, फ़ोटो खींचना तो बहुत सख्त मतलब कि वहाँ मना है बिल्कुल। और हम थोड़ी दूर पर एक मंदिर है, कालिका मंदिर, उसको देखने आए हैं और उसके दर्शन कर लिए। और हम यहाँ से भी आगे की ओर जा रहे हैं, और हम भी यहाँ पर मकान बनाने लग गए हैं कि हमें भी मकान मिले, हमारी इच्छा पूरी हो। अब हम 32 कम्बों की छतरी की तरफ जा रहे हैं और उसका व्यू आपको दिखाएंगे। और ये 32 कम्बों की छतरी हमसे 15 फीट की दूरी पर ही है लगभग। और 32 कम्बों की छतरी का भी जो कि काम चल रहा है, उसका मतलब कि उसको जो भी उसमें थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग या कुछ भी उसमें मिस्टेक है उसको सही कर रहे हैं। मिस्टेक तो क्या हो, मतलब कि कोई दरारें चल गई उसमें। और उसके नीचे एक मंदिर है शिव जी का, और शिवलिंग है वहाँ पर शिव जी की, एंड उसके भी दर्शन करने आए हैं हम। एंड उसके भी दर्शन कर लिए हम लोगों ने, एंड हम यहाँ से भी अब बाहर की ओर जा रहे हैं। और अब हम 32 कम्बों की छतरी से भी वंचित हो चुके हैं, मतलब उसको देख नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर ऊपर जाना अलाउ नहीं है, तो हम ज़्यादा कुछ देख नहीं सकते उसको। और हम वहाँ से भी चल दिए। अब हम जा रहे हैं रणथंभौर का किला देखने, जो कि रणथंभौर दुर्ग नाम से प्रसिद्ध है। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं रणथंभौर फोर्ट के नज़दीक पहुँचते जा रहे हैं, एंड कुछ ही दूरी पर है रणथंभौर फोर्ट। और यहाँ की जो भी कलाकृतियाँ या नेचुरल ब्यूटी है ना, वो बहुत ही मतलब कि विख्यात है, एंड हम उसके लिए जो भी शब्द कहें वो फीके पड़ेंगे उसके आगे। और जो भी यहाँ शैली है, चित्रकलाएँ हैं, और जो भी कलाकृतियाँ हैं ना, बहुत ही लुभावनी है। एंड हम रणथंभौर फोर्ट के बहुत ही नज़दीक पहुँच चुके हैं, और जो भी ये पैलेस है बहुत ही अच्छा है। और अब हम पहुँच चुके हैं रणथंभौर फोर्ट के बहुत ही नज़दीक, एंड अब हम आपको दिखाएंगे रणथंभौर फोर्ट का नज़ारा, जो कि बहुत ही ब्यूटी से भरा हुआ है। एंड अंदर जाना अलाउ नहीं है, इसके बाहर नोटिस लगा रखा है, और आप बाहर से इसकी ब्यूटी देख सकते हैं। अभी भी बहुत अच्छा बना हुआ है ये, और अभी तक ये डसा नहीं है, मतलब कि बहुत ही क्वालिटी से, या बहुत ही जो भी सीमेंट जो पत्थर इसमें यूज किए हैं बहुत ही अलग ही ढंग से किए हैं। और अब हम जा रहे हैं वापस, क्योंकि वहाँ कुछ देख नहीं सकते। तो अब हम पहुँच चुके हैं गणेश पोल के पास, और हम नीचे की ओर जा रहे हैं और कुछ ही दूरी तय। और अब हम घर की ओर प्रस्थान करना चाह रहे हैं, एंड अब हम गणेश मंदिर से बहुत दूरी पर हैं और गणेश पोल को पार कर चुके हैं। एंड मैं यहाँ के थोड़े बहुत क्लिप्स उठा लेता हूँ। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, एंड वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताना कमेंट में। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
बाय बाय, टेक केयर।